Hello dear students, how are you all? These days we are studying your lesson 6, Footprint Without Feet, Say the Making of a Scientist by Robert W. Peterson. Working on this lesson, we have already enjoyed summary, its important questions which are frequently asked in your board exams, and character sketch of Richard H. Albright. What is here in this video? I am here as your exam is going to be based on multiple choice questions. So I am here with these multiple choice questions on this lesson. So going further, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get all notifications of my future videos as and when I release them. आपको अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं MCQ वो भी स्टडी करते हैं. लास्ट वीडियो है इस लेसन पर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जो हर बार मैं बोलता हूँ कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. राइटर कौन है? इज इट HG Wells? HG Wells पे पढ़ा तो है, क्या यही हैं इसके या इनका कोई और था 10th में ही, या रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन अभी बताया मैंने शुरुआत में, या रस्किन बॉन्ड का तो हाँ मुझे तो ध्यान आ गया, आपने बताना है. अनिल बताओ, हरी आप भी बताओ चलो, या गाय डी मोसापांट, ये भी था. सब ने एक एक लिखा है आपके लिए. अभी तो क्वेश्चन ये है कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट किसने लिखा है, लेकिन आपने ये भी बताना है कि इन तीनों ने भी एक एक लिखा है तो कौन कौन सा लिखा है. ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. विच थियोरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट? कौन सी थ्योरी? हाउ सेल्स वर्क, हाउ मोशन वर्क्स, हाउ डाइजेशन सिस्टम वर्क्स, या ऑल ऑफ द अबव? एट द एज ऑफ 22 क्या प्रूव किया? हाउ सेल्स वर्क इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, रिचर्ड एच एब्राइट वॉज अ फेमस सिंगर, साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर, कौन थे वो? साइंटिस्ट इज द राइट आंसर. किस किस का ठीक है लिख दीजिए, मेरा ठीक है. व्हाट क्वालिटीज डिड रिचर्ड पोजेस? क्या क्या क्वालिटी थी? इंक्विजिटिव, आप भी हैं ना, प्रश्न करते हैं ना, इंटेलिजेंट होशियार था, विल टू विन थी सब था, तो क्या था? ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ इन हिज चाइल्डहुड? बास्केटबॉल, कलेक्टिंग थिंग्स, बेसबॉल या नन ऑफ द अबव? मैं क्यों बताऊं? क्योंकि आप में से एक ने कहा है कि सर सारे क्वेश्चन आप मत बताया करो, एक या दो चार हमें भी पूछ लिया करो ताकि हमें भी थोड़ा सा रहे. ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कि व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ इन हिज चाइल्डहुड. रिचर्ड एच एब्राइट क्या करते थे बचपन में इन चारों में से? मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले हैं. चलिए कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ मैं. सिक्स तभी वो पढ़ूँगा जब फिफ्थ का रिप्लाई करेंगे. चलिए भेज देना. ठीक है, आगे बढ़ें. चलो, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? क्या क्या उसने इकट्ठा करना शुरू किया? बटरफ्लाइज, रॉक्स, क्वाइंस या ऑल ऑफ द अबव? यस, ये सब उसने इकट्ठा किया. देखिए आप, क्वाइंस तो मेरी क्लास स्टूडेंट ने भी किया इस लेसन को पढ़ते हुए, और बटरफ्लाइज भी बनाई है देखिए आप. ठीक है, किस किसने बनाई है बटरफ्लाई? सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दें. 10th B गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी के सभी बच्चे जिसने ये क्वाइंस बनाए हैं या बटरफ्लाइज बनाई हैं या रॉक्स इकट्ठी की थी, चलिए बता दीजिए अपने नाम कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर डैश दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. यही तो कारण थी, ये बटरफ्लाइज, नॉट कैट्स, डॉग्स और बर्ड्स. ठीक है, इट वॉज बटरफ्लाइज, स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज. यस, एट देखिए, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड का होते होते उसको इतना शौक था कलेक्टिंग थिंग्स का और बटरफ्लाइज का कि
25 तरह की 25 तरह की स्पीशीज उसने इकट्ठी कर ली थी। एट व्हाट एज डिड ही इन्वेंट द थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क, 22 साल की 22 एट द एज ऑफ 22 सी द राइट आंसर 10th में देखिए। व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एब्राइट डू, कौन सी वर्किंग ऑफ बॉडी, वर्किंग ऑफ DNA, वर्किंग ऑफ हार्ट, नन ऑफ द अबव, नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले हैं। चार मैंने बता दिए, पांचवा आपसे पूछा, चार फिर बता दिए, फिर से पांचवा आपसे पूछ रहा हूँ, यानी दसवां आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए नहीं बताऊँगा 11 जब तक आप 10th का रिप्लाई नहीं करेंगे। इज इट ABC और D? चलिए पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ ये मत लिख देना ABCD, नो, पूरा आंसर लिखना है, राइट आंसर, ठीक है। 11th में बताता हूँ आपको, डैश इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, व्हाट इज इट, DNA, यस राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हु एनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, माता ने, पिता ने, भाई ने, अध्यापक ने, अध्यापक ने भी किया, बट मेनली इट वॉज हिज मदर, राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, फुल मार्क्स गोज टू यू ऑल चिल्ड्रन। 13 देखिए, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, कैसे आपने मदर कह दिया 12th में, तो क्या किया मदर ने, क्या उसको सैर पर ले गई घुमाने फिराने अलग अलग जगहों पर, टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स, एनकरेज हिम टू लर्न न्यू थिंग्स, ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, विच वॉज एब्राइड्स होम टाउन, इट वॉज नॉट लंडन, नॉट लिवरपूल, नॉट ऑक्सफोर्ड, इट वॉज रीडिंग, यस पेंसिल्वेनिया। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अदर वर्ड्स, कैसे, 15th में देखिए, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, पहले था विच वॉज एब्राइड्स होम टाउन, और दे कैन आस्क यू वेयर डिड ही कम फ्रॉम, रीडिंग, या रीडिंग इज द राइट आंसर, सेम, और वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप, पेंसिल्वेनिया में ग्रीव अप हुए, और ग्रेजुएट कहाँ से किया, हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया, देखिए आप कितने ईजी हैं, ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ लंडन, टोरंटो और ऑक्सफोर्ड, इट वॉज हार्वर्ड, और हाईएस्ट ऑनर से किया ग्रेजुएट उसने, यस। 18th में देखिए, एब्राइट ट्राई टू ग्रो कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बीटल्स, ये तो उसको स्टडी थी कि क्यों एवरी फ्यू ईयर्स जो हैं कैटरपिलर्स मर जाते थे, क्या बीटल्स के कारण था ऐसा। अकॉर्डिंग टू एब्राइट, व्हाट वॉज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग ए प्राइज इन साइंस फेयर, इट वॉज रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट मेयर डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, जो उसने किया फ्रॉग के टिश्यू को दिखाया माइक्रोस्कोप में, नो इट डिड नॉट वर्क, बट ही वर नॉट डिसअपॉइंटेड, नेवर से डाई चिल्ड्रन, तो रियल एक्सपेरिमेंट में प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट ईयर लेकर आऊंगा रियल एक्सपेरिमेंट, और उसने किया वन किया काउंटी साइंस फेयर को। बोथ एंड बी, नो, नन ऑफ द अबव, नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, वॉइसरॉय, मोनार्क, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, नो, नो कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे ABCD की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, वॉइसरॉय, मोनार्क, आपने लेसन स्टडी किया, समरी स्टडी किया मेरे साथ, क्वेश्चन आंसर किए, करेक्टर स्केच स्टडी किया, और 19 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो क्या पता लगा वॉइसरॉय, मोनार्क, नो, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप जाने वाले हैं, पूरा आंसर लिखना है आपने। 21st में बताने वाला हूँ, विच बटरफ्लाई वॉज नॉट ईटन बाई बर्ड्स, वॉइसरॉय तो पसंद किए जाते थे, मोनार्क को वो नहीं खाते थे, दैट्स वाई दे कॉपी मोनार्क्स, बोथ एंड बे, नो, नन ऑफ द अबव, नो, वॉइसरॉय, नो, मोनार्क, यस। 22nd में, हाउ मैनी गोल्ड स्पॉट्स वर देयर ऑन ए मोनार्क प्यूपा, 12, नॉट 10, 15 और 11, दोज वर डी द राइट आंसर, 12। 23, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, क्या वो ऑर्नामेंटल थे, नो, सीक्रेटेड हार्मोन्स का वो था कि उसको डेवलप में मदद करते हैं भैया, दे उसने बताया, देवर द ब्रीदिंग पॉइंट, नो, नन ऑफ दीज, नो, बी इज द राइट आंसर, सीक्रेटेड हार्मोन्स थे वो, यस। 24 में देखिए, विच बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क टू प्रिवेंट बींग ईटन बाई बर्ड्स, वाइस प्रेजिडेंट, नो, ये कोई नहीं होता है, वॉइस रॉय, नो, वाइस प्रिंसिपल, नो, वॉइस इज, नो, वॉइस रॉयज वर द बटरफ्लाइज हु यूज टू कॉपी मोनार्क टू प्रिवेंट बींग ईटन बाई बर्ड टू बिकमिंग डिनर ऑफ बर्ड फॉल प्रे टू प्रेडेटर्स। 25, विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गेव हिम टू,
कौन सी बुक थी वो? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ट्रेवल्स ऑफ ए ब्राइट, ट्रेवल्स ऑफ डॉक्टर अकार्ट एंड ट्रेवल्स ऑफ वॉइसरॉय एक्स. नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, दिस इज 25th. यू आर गोइंग टू टेल मी. यू विल राइट फुल आंसर, नॉट ए बी सी ओ डी. यू विल नॉट राइट दिस, यू विल राइट फुल आंसर. आई विल रिप्लाई यू इन कमेंट सेक्शन. गो टू कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई. वी गो टू 26. ब्राइट टुक पार्ट इन कंट्री डैश फेयर. विच फेयर? साइंस फेयर, हैंडीक्राफ्ट फेयर, कैटल फेयर एंड सेक्स फेयर. नो, इट वॉज साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर. यस, first time he could not succeed, but second, third and then frequently he went there and won. At what grade did Richard get a hint of what real experiment is? It was when he was in 7th grade that he learned it is not mere display, neat display of things, rather it is real experiment. Real science is in 7th grade he came to know of this fact. And when did he get a hint of real science? ये पूछा जा सकता है इस तरह से भी. In 7th grade when he entered a county science fair. Yes, when he lost. Yes, तीनों बातें सही हैं. All of the above. 28 is the right answer. D is the right answer. 29th में देखिए. What did he realize was necessary for winning a prize at the fair? उसने देखा कि not mere display, not all of the above, none of the above, rather is experiment is more important, real experiment. 30th, in which class was a bright when he lost at county science fair? 7th class की ये बात है, when he was in 7th grade. C is the right answer. And 31st में देखिए, when did he find the cause of a viral disease common among caterpillars, जो उनको मार दिया करते थे every few years? It was in 7th grade, 8th grade, in college, or none of the above. You are going to tell me, I am not going to answer this. Go to comment section, write full answer, not A, B, C, D. You will write full answer. I will reply you. Go to comment section, I am waiting for you there. 32nd में देखिए, he tried to grow dash in the presence of beetles. Caterpillar is the right answer. B is the right answer. Yes. 33 में देखिए, who did Richard write for an idea of real science experiment? उसने बोला भैया मुझे guide तो कर दो, जिसने वो टैग वाला उसको असाइनमेंट दिया था, विच वॉज देयर एट द लास्ट पेजेस ऑफ दैट बुक ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. इट वॉज डॉक्टर फ्रेडरिक ए अकार्ट व्हेन ही वॉज अनसक्सेसफुल इन 7th ग्रेड इन काउंटी फेयर. ही रॉट फॉर एन आइडिया, गिव मी आइडिया सर, तो बी द राइट आंसर. 34 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई? एग, caterpillar, pupa, all of the above. Yes, 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 right. D is the right answer. Last but not the least, 35th में देखिए, name a bright social science teacher. SSC teacher कौन थे उसके? Was that Mr. Verrer, Mr. Urquhart, James R. Wong या Taplow? Taplow, no. एक बता देता हूँ, D is not the right answer. A, B, C में कौन से हैं आप बताने वाले हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपने पूरा आंसर लिखना है. लिखिए नंबर आंसर, नंबर फुल आंसर, नंबर फुल आंसर. आई विल सी यू देयर. सारे मैं क्यों बताऊँ? लेसन पढ़ाना, पढ़ाया ना, समरी बताई ना, क्वेश्चन आंसर किए ना, एक्सरसाइज किए ना, तो फिर चलिए कमेंट सेक्शन में फाइंड आउट कीजिए, समरी का वीडियो देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी हम डेली आपको असाइनमेंट, लेसन, ग्रामर टॉपिक, पॉम्स, लेसन्स, राइटिंग स्किल की आपका नोटिस है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ठीक है, वो सब भेजते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ, इन सभी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल हैं. Thank you. It was wonderful studying with you this lesson, The Making of a Scientist. 4 video on this lesson. It was great with you all. Thank you for being with me. See you with next lesson in the days to come. Thank you. God bless you all. You are all wonderful people. Love you all.